हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू डीआईवाई वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 4 डिफरेंट ब्लॉक पेंटिंग आइडियाज यूजिंग पोटैटोज। तो आज का ये डीआईवाई आप सब इजीली फॉलो कर सकते हैं। बस आपको अपने किचन से लेने हैं कुछ आलू, एक्रेलिक कलर्स, पेंटिंग ब्रश एंड अ ब्लैक मार्कर। तो हमारा फर्स्ट प्रिंट है आउल प्रिंट। उसके लिए एक ओवल शेप का पोटैटो लेकर उसे हाफ में कट कर लें। और पेंटिंग के लिए मैं यहाँ पे कैनवस फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। इसके नीचे एक कार्डबोर्ड प्लेस कर लेंगे और बस हमारा जो पोटैटो ब्लॉक है उसके ऊपर कलर लगाकर इस तरीके से प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। तो सेम वे में पूरे फैब्रिक के ऊपर कर लेंगे। और एक बात, कलर लगाने से पहले पोटैटो में जो मॉइस्चर होता है उसको आप टिश्यू पेपर से ड्राई कर लें। और इस तरीके से हमारा आउल का बेस बनकर रेडी है। अब हम इसको ब्लैक मार्कर और पेंट ब्रश की हेल्प से फिनिश करेंगे। हमने इसे बहुत ही इजी तरीके से बनाया है ताकि आप सब इसे फॉलो कर सकें और बच्चे भी इसे आसानी से बना पाएं। मैं ये प्रिंट राउंड कैनवस फैब्रिक पे बना रही हूँ। इसको हम बाद में वॉल डेकोर के लिए यूज़ करेंगे और वो कैसे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, तो उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और बस, तो इस तरीके से हमारे प्यारे प्यारे से उल्लू बनकर रेडी हैं। आपको ये ऑल प्रिंट का आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट प्रिंट हम बनाएंगे वाटरमेलन प्रिंट। तो उसके लिए जो हमने आउल के लिए पोटैटो यूज़ किया था उसी को यूज़ करेंगे और अगेन उसको हाफ में कट कर लेंगे और बस इसके ऊपर रेड कलर लगा लें और प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। आज के सारे प्रिंट आइडियाज़ बहुत ही वाइब्रेंट हैं और समर सीज़न के लिए एप्रोप्रिएट हैं। इस तरह के प्रिंट समर्स में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और इस तरीके से हम इसे ग्रीन और ब्लैक कलर से फिनिश कर लेंगे। एंड ये पोटैटो ब्लॉक्स प्रिंटिंग आइडियाज़ मैंने स्पेशली बच्चों को ध्यान में रखकर शेयर किया है, तो इसे बड़े और बच्चे दोनों ही आसानी से ट्राई कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, ये हमारा सेकेंड वाटरमेलन प्रिंट रेडी है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे फ्लेमिंगो प्रिंट। तो उसके लिए अगेन पोटैटो को हाफ में कट कर लें और ब्लैक मार्कर की हेल्प से उसके ऊपर फ्लेमिंगो का शेप ड्रॉ कर लेंगे और उसको कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्लेमिंगो ब्लॉक बनकर रेडी है। अब इसके ऊपर पिंक कलर लगा लेंगे और प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। अब ब्रश की हेल्प से इसके लेग्स बना लेंगे। और साथ ही ग्रीन कलर के कुछ लीव्स बना लेंगे टू मेक इट लुक मोर ब्यूटीफुल। और बस ये हमारा थर्ड फ्लेमिंगो प्रिंट भी बनकर रेडी है। तो आपको ये फ्लेमिंगो प्रिंट का आइडिया कैसा लगा प्लीज डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन बिलो। और हमारा फोर्थ एंड लास्ट प्रिंट है पाइनएप्पल प्रिंट। तो उसके लिए हाफ कटा ओवल शेप का पोटैटो ले लें, इसे थोड़ा और अच्छे से शेप दे देंगे और अब इसे इस तरीके से कट कर लेंगे। इसे कट करना थोड़ा मेहनत और पेशेंस का काम है, तो इसे आप आराम से कट करें। ये जितने अच्छे से कट करेंगे आपका प्रिंट उतना ही अच्छा बनेगा। और ये पाइनएप्पल ब्लॉक रेडी है। अब इसमें हम लेमन येलो कलर लगा लेंगे और प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे। और अब ग्रीन कलर से इसको फिनिश कर लेंगे। एंड दैट्स इट, हमारा पाइनएप्पल प्रिंट भी रेडी है। दिस पाइनएप्पल प्रिंट इज माय फेवरेट इन ऑल ऑफ 4 प्रिंट्स। ये बहुत ही प्यारा लगा मुझे। आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया प्लीज मुझे जरूर बताएं।
तो ये थे हमारे 4 डिफरेंट ब्लॉक प्रिंटिंग आइडियाज यूजिंग पोटैटोज। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने वॉल डेकोर के लिए कैसे यूज किया है। तो इसको फ्रेम करने के लिए मैंने एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड ले लिया है और कुछ पॉम पॉम लेस लिए हैं। तो हॉट ग्लू की हेल्प से इसको कार्डबोर्ड के ऊपर इस तरह से स्टिक कर लेंगे। अगर आपके पास घर में एम्ब्रॉयडरी हुक्स हो तो आप उसे भी इसे फ्रेम करने के लिए यूज कर सकते हैं। और अब साइड्स पे ये पॉम पॉम लेस लगा लेंगे। मैं स्टिक करने के लिए फेवी बॉन्ड यूज कर रही हूँ, आप फैब्रिक ग्लू या फिर हॉट ग्लू की हेल्प से भी स्टिक कर सकते हैं। और ये रेडी है, तो सेम वे में हम ये सारे रेडी कर लेंगे। आप ये क्यूट एंड इजी पोटैटो ब्लॉक प्रिंटिंग आइडियाज किसी भी सरफेस जैसे कि कुशन कवर, वाइट टी शर्ट, टेबल क्लॉथ और एनी अदर फैब्रिक और पेपर सरफेस पे ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल हो। तो हमने इसे इस तरीके से एक रोप के ऊपर स्टिक कर लिया है और ये हमारा वाइब्रेंट एंड कलरफुल वॉल डेकोर रेडी है। समर्स में किसी भी स्पेस को ब्राइटन अप करने के लिए और एक फ्रेश लुक देने के लिए ये एक परफेक्ट वॉल डेकोर है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, आपने एंजॉय किया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। तो अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करते हैं तो प्लीज डू शेयर विद मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज चांदनी DIY डेकोर। आई विल प्रोवाइड द इंस्टा लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज वीडियो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्रेस दैट रेड सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच DIY वीडियोज एंड होम डेकोर आइडियाज।